हाजिर हुए हैं, मैं आप सबों का खैर मकदम करता हूं, आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बंगाल की आवाज, बंगाल के सोच के साथ अपने सोच को मिलाया है। और वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने हमेशा आवाम को धोखा दिया है, बंगाल को धोखा दिया है, मुल्क की अक्लियत को धोखा दिया है, इसलिए ये अक्लियत बचाव कन्वेंशन हैदर साहब ने बुलाया है। तो इस मौके पे मैं दो चार बातें कहूंगा कि आज बंगाल में नहीं, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में पूरे मुल्क की असल कांग्रेस बनेगी, जो असल कांग्रेस की रूह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूह से जुड़ा हुआ है। आज सीपीएम से हाथ मिलाना शर्म आती है। अगर कांग्रेस के वो नेता जो आज लाल झंडे को लेकर के घूम रहे हैं, मैंने देखा कांग्रेस का ये छोटा सा झंडा और लाल झंडा इतना हो, अगर वो चाहते उन्हें एमएलए बनना है, मेरे ख्याल में हमारे जस्टी ममता बनर्जी उन सबों के एमएलए बना दें। अगर उन्हें खाइश थी, लेकिन कांग्रेस को गिरवी रख दिया इलेक्शन के बाद। कांग्रेस तो आज के दिन साइन बोर्ड है, इलेक्शन के बाद ये साइन बोर्ड भी नजर नहीं आएगा बंगाल की धरती में, और लोग छिछी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करेंगे। वही हाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी होने वाला है। राहुल गांधी ने 2014 में तस्करी में प्लेट में सजा करके केंद्र हुकूमत को नरेंद्र मोदी के हाथ में गिरवी कर दिया है, उनके हाथ उठा दिया है। बोलो देश और জাতীয়তাবাদী মানুষদের আর কোন পার্টির কোথাও জায়গা অবাধ
কথা নয়। কাজেই আমরা হায়দার শুধু মাইনরিটি নেতা ছিল না, আমি অনেকদিন হায়দারের সাথে কাজ করেছি।